हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो को आप लोगों ने थंबनेल लेके समझ ही गए होंगे ये वाली वीडियो किस टॉपिक होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो आप लोग टॉप यूज़ करते हैं अपने डीजे के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो यहाँ पे जो आपने थंबनेल देखा कि एक टॉप था, तो उसमें आपकी सबसे बड़ी ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई मेरे पास डबल 15 इंच का टॉप है, तो मुझे इसमें कितने वॉट के स्पीकर्स इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबका काम अलग अलग होता है। कोई डीजे बजाता है, कोई लाइव यूज़ करता है, कोई जो है डीजे और लाइव दोनों करता है। तो यहाँ पे सबके अलग अलग काम हैं, सबके अलग अलग पर्पज़ हैं, तो इस हिसाब से आपको स्पीकर सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कितने वोल्टेज के स्पीकर किस फील्ड के लिए वर्क करते हैं, तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लास्ट तक के देख लिया तो आप लोग आराम से पता लगा पाएंगे कि आपको अपने डीजे या फिर लाइव के लिए कितने वॉट के स्पीकर्स को इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिएगा। और दोस्तों, अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और चैनल को भाई शेयर करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए डेली लाता रहूं। और वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर बनता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यांश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लोग बात करते हैं, यहाँ पे वीडियो हम लोग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 300 वॉट से लेके। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर 15 इंच के स्पीकर की बात हो रही है तो 100 वॉट से स्टार्ट होगा नहीं, ना 100, ना 150, ना 200, सीधा स्टार्ट करते हैं 300 से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी मार्केट में 15 इंच के स्पीकर्स मेनली लोग खरीदते हैं, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, 300 वॉट, 350 वॉट, 400 वॉट, 450 वॉट, बहुत ही कम केसेस में 500 वॉट और 600 वॉट, और जहाँ तक देखा जाए तो 700 या 800 वॉट। तो इतने रेंज या इतनी वॉटेज में जो हमारे 15 इंच के स्पीकर्स आते हैं, ये ज़्यादातर मार्केट में बिकने वाले स्पीकर्स होते हैं। तो यहाँ पे भाई कुछ लोग का सोचना है कि 600 वॉट 500 वॉट के जो स्पीकर वो लोग अपने टॉप में लगा लेंगे तो किसी भी दूसरे डीजे से उनका डीजे बहुत ज़्यादा बढ़िया बजेगा। और यहाँ पे कुछ लोग को मालूम है, कुछ लोग को नहीं मालूम है, तो भाई इसमें कोई बेकार बात नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगता था यहाँ पर जितने ज़्यादा वॉटेज का स्पीकर होगा, जितना बड़ा स्पीकर होगा, उतनी तेज़ आवाज़ होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 15 इंच के स्पीकर मिड के लिए डिज़ाइन होते हैं, 12 इंच के स्पीकर लॉन्ग थ्रो के लिए डिज़ाइन होते हैं। तो जी हाँ, आज के मिड बात करेंगे हम लोग 15 इंच के लिए। तो 15 इंची में दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है, वोल्टेज अगर स्पीकर का बढ़ेगा तो उसका जो थ्रो होगा और जो उसकी आवाज़ होगी, मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज समझाता हूँ, यानी कि जो तेज आप कहते हैं तेज नहीं बज रहा है, तो जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उतना धीमा बजेगा। तो यहाँ पे दोस्तों, ये मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप वोल्टेज बढ़ा भी लोगे तब भी आपको धीमी आवाज़ मिलेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जब आपका स्पीकर का वोल्टेज ज़्यादा बढ़ता है तो आपका मैगनेट साइज बढ़ता है, वॉइस कॉइल बढ़ता है, तो ये बढ़ने के चक्कर में आपका जो स्पीकर का मिड और ट्रेबल होती हैं वो लो होती जाती हैं, और जो आपका लो फ्रीक्वेंसी होता है वो हाई होता जाता है। दोस्तों, लो फ्रीक्वेंसी बेस आप कहोगे, लेकिन जो दोस्तों इन स्पीकर्स की सराउंडिंग होती है या फिर जो लिमिटेड एरिया होता है जहाँ पे आप प्ले कर रहे हो डीजे, ये आपको वहाँ पे जो परफॉर्मेंस देगा, आज तक का कोई भी ऐसा स्पीकर आप ले लो जो कि 300 या फिर 400 वॉट में देता है, 600 या फिर 800 वॉट से कम्पीट, मतलब आप करोगे इन दोनों ही स्पीकर को, तो ये बहुत अच्छे बजेंगे। ज़्यादा वोल्टेज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ है हमारे डीजे में, जितना वोल्टेज बढ़ेगा आवाज़ का लाउडनेस कम होगा लेकिन क्वालिटी इंक्रीज़ होगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, आवाज़ हमारी 3 फ्रीक्वेंसी में बटी है, पहला है ट्रेबल, मिड और लो, यानी कि जिसको हम लोग बेस कहते हैं। तो अगर तीनों ही फ्रीक्वेंसी को अलग अलग स्पीकर में बांट दोगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक ही स्पीकर से तीनों फ्रीक्वेंसी बाहर निकले, यानी कि बेस, मिड, ट्रेबल, तीनों बहुत अच्छा मिले। तो एक ही स्पीकर को लगाते हैं और सोचते हैं बहुत तेज़ बजना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, आपको फ्रीक्वेंसी बांटनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 300 वॉट का स्पीकर होता है, ये आपका मेनली मिड के लिए यूज़ होता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग 300 या फिर 350 वॉट, मैंने दो रखे हैं, 300 या फिर 350 वॉट के स्पीकर्स लेने चाहते हो, और अगर आप लेने की सोच रहे हो या फिर आप मेरी सुन के लेते हो, तो यहाँ पर आपको एक बात में ध्यान रखना है कि ये जो हमारे 300 या फिर 350 वॉट के स्पीकर्स होते हैं, इनके साथ आपको बेस लगाना पड़ेगा, ज़रूर से लगाना पड़ेगा। तो मेरी बात यहाँ पर ज़रूर से ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लोग 300 पे 350 वॉट के टॉप बना रहे हो, डबल के दो बना रहे हो या फिर दो पेयर बजाना चाहते हो, तो इसके साथ आपको बेस लगाना पड़ेगा, यानी कि सब वूफर लगाना पड़ेगा आपके डीजे में। दोस्तों यहाँ पर आप कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे बेस ना लगाएं तो भी उनको
बहुत अच्छी आवाज़ मिल जाती है 300 350 वाट के स्पीकर्स में। जी हाँ, वो बेस देता है, लेकिन जो दोस्तों उसकी बेस देने की क्षमता होती है वो उससे ज़्यादा देता है। तो यहाँ पर अगर उसको क्षमता से ऊपर बजाओगे तो ख़राब हो जाएगा और अच्छी आवाज़ नहीं मिलेगी। तो एक सबवूफर इस्तेमाल कर लेना इन 300 350 वाट वाले स्पीकर के साथ। डीजे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर लाइव में लगाते हो तो लाइव में भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और चाहो तो नॉर्मल 300 या फिर 350 को रख सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं 400 वाट की। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने बात करी यहाँ पे 300 350 वाट की, और कुछ बेसिक्स जाना कि आपको कैसे तेज आवाज़ मिलेगी, किस रीज़न से आपको धीमी आवाज़ मिलती है। तो बेसिक्स जानने के बाद 350 जानने के बाद बात करते हैं 400 और 500 वाट में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर आप लोग अपने टॉप के अंदर 400 या फिर 500 वाट के स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हो, अगर आपको मिलता है तो 450 वाट भी ऐड कर लेते हैं। तो इतने वॉटेज के अगर आप लोग अपने डीजे में स्पीकर्स को इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ पर मैं एक आपसे बात बता दूँ, यहाँ पे कोई भी कंपलसरी यहाँ से हट जाता है कि आपको सबवूफर लगाना ही पड़ेगा। अगर आप कहीं भी डीजे प्ले कर रहे हो, आप दो टॉप रख दो या फिर चार टॉप रख दो, ज़्यादा पब्लिक है तो ये चार टॉप आपके 400 या फिर 500 वाट के अगर इसमें स्पीकर्स लगे हैं, डबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कवर कर लेंगे, आपको बेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। अगर हाँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा एरिया है तो आप लोग बेस लगा सकते हो, क्योंकि तो तब आपको टॉप को बहुत तेज़ बजाना पड़ेगा, और तेज़ बजाओगे और बेस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखोगे तो यहाँ पे स्पीकर डैमेज हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसा देखा जाता है 400 और 500 वाट के जो स्पीकर्स अगर आप टॉप में इस्तेमाल करते हो तो बेस इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बेस ना भी लगाओगे तो आपको कुछ कमी नहीं महसूस होगी कि हाँ बेस कम आ रहा है, और यहाँ पे जनता भी आपसे नहीं मांगेगी। तो यहाँ पे बात हो गई 400-500 वाट के स्पीकर की। चलिए बात करते हैं हमारे जो इससे ऊपर वोल्टेज में आते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग अभी भी मेरी वीडियो में बने हैं तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, अगर अभी भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 600 और 800 वाट के जो हमारे स्पीकर आते हैं, अगर वो आप लोगे या फिर लेने का सोच रहे हो या फिर मेरे कहने पर लेते हो तो किस काम आते हैं, यानी कि इनको लगाओगे तो कैसा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी आपने सुना, मैंने हर बार डीजे की बात करी, चाहे वो 300 वाट में हो, 350 वाट में हो, 400 वाट में हो, 500 वाट में हो, तो यहाँ पे मैंने लाइन से डीजे की बात करी, मैंने लाइव के बारे में नहीं बताया। तो जी हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग होती है हमारे लाइव प्रोग्राम की। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप लोग यहाँ पे अगर 600 वाट से नीचे का स्पीकर लेते हो तो वो लाइव में नहीं चलेगा। बहुत लोग चलाते हैं, मुझे मालूम है वो कैसे चलाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वो 400 या फिर 500 वाट या फिर 300 या फिर 350 वाट के जो उनके टॉप होते हैं डबल के, उसमें साथ वो लोग बेस ज़रूर से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ लाइव के लिए बात करूँगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आप डीजे बजाओ तो टॉप से बजा डालो डीजे, या फिर आप एक कॉम्बिनेशन बजाओ तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको बिल्कुल लाइव बजाना है, यानी कि लाइव ज़्यादा करते हो, तो यहाँ पर अगर आप लोग अपने टॉप में 600 वाट के या फिर 700 वाट के या फिर 800 वाट के स्पीकर्स डालते हो तो ये लाइव के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग टॉप का वोल्टेज बढ़ा देंगे तो डीजे में बहुत मज़ा आ जाने वाला है, डीजे बहुत अच्छा बजेगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर अगर आप टॉप का वोल्टेज बढ़ाओगे 600 से ऊपर करोगे तो ये लाइव के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 600 वाट और 800 वाट के जो स्पीकर होते हैं, इनका मैग्नेट कुछ इस तरीके का होता है। दोस्तों इनकी जो वॉइस कॉइल होती है वो 4 इंच से बड़ी देखने को मिलती है, या फिर 4 इंच की ही देखने को मिलती है, और जो 3.5 इंच के ऊपर के होते हैं मैं उनकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे जो इनके स्पीकर का जो साइज़ है वो यहाँ पे थोड़ा कम पड़ जाता है इनके मैग्नेट और इनकी वॉइस कॉइल से। तो दोस्तों ये स्पीकर क्या करते हैं, ये अपने मिड और बेस में बजना चालू हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इनके साथ एक कंप्रेशन ड्राइवर तो ज़रूर से लगाओगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ये नहीं लगाते हो तो आपको क्वालिटी तो ख़राब मिलने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपसे क्यों कहा ये लाइव के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों डीजे में आपको यहाँ पे अगर आप 600 वाट के या 800 वाट के स्पीकर्स लगाते हो तो जो आपको बेस मिलेगा वो यही स्पीकर्स कवर अप कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये एक लिमिटेड एरिया में कवर करेंगे, ये पूरे ग्राउंड में या फिर जितना भी एरिया आपको दिया गया है उतने में ये काम नहीं कर पाएंगे। और मैंने लाइव के लिए क्यों कहा ये काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग इनको इनके जो फ्लाइट केस के ऊपर रख सकते हो, किसी भी जगह पे आप इनको हाइट दे के रख सकते हो, यानी कि अगर आपको एक जगह बताई गई है कि इतने जगह में
आपका लाइव प्रोग्राम चलेगा। तो ऑडियंस के सामने आपने एक इधर स्पीकर रख दिया, थोड़ा पीछे रख दिया, होप आप समझ रहे होंगे, आपने एक इधर कॉर्नर पर रख दिया, एक पीछे कॉर्नर पर रख दिया और सामने मॉनिटर्स डाल दिए। दोस्तों कुछ ऐसा अगर आप इन स्पीकर साथ करते हो तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। सबसे पहली बात, बेस नहीं लगाना पड़ेगा, बेस की वजन जो आप उठाते हो वो कम हो जाएगा। 300 या फिर 350 यूज़ करते हो तो बेस लगाना पड़ेगा, लेकिन इनके साथ बेस आपको नहीं लगाना पड़ेगा। और जो इनकी साउंड क्वालिटी होती है, मिड बेस ट्रेबल तीनों इनमें मिल जाता है, तो ये जितना भी एरिया होता है ये बहुत प्यारी साउंड क्वालिटी उसमें फैला डालते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इनका क्या करना है, कैसे इनको यूज़ करना है। और डीजे में तो आप लोग जानते हो, जहाँ हमने अपने सारे स्पीकर्स रखने हैं बस उतनी जगह में रखने हैं और उतनी जगह से पूरे एरिया में आपको साउंड पहुँचाना है। लेकिन लाइव में क्या होता है, आप जगह जगह स्पीकर्स को सेट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो ज़्यादा वोल्टेज के स्पीकर होते हैं ये एक लिमिटेड एरिया में बहुत अच्छा काम करते हैं। इनसे इतनी अपेक्षा ना रखिए कि ये बहुत दूर तक की आवाज़ आपकी फैला देंगे या फिर फेंक देंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है मैं ऐसे बात करते रहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी इस वाली वीडियो में आपको बताया कि 15 इंच के टॉप में आप लोग कितने वाट के स्पीकर्स डाल सकते हो, कौन सा स्पीकर कैसी आवाज़ देता है। तो दोस्तों अगर आपको यानी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।